पाकिस्तानी पीएम का घटिया ट्वीट, 152 पर 0 वर्सेस 170 पर 0, क्या ट्वीट में लिखा गया जिससे भारतीय टीम को सर्व से झुकना पड़ा, क्या कुछ है आइए हम इस पूरे वीडियो में आपको दिखाते और बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही ये जो बगल में बेल आइकन का घंटा है इसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा T20 वर्ल्ड कप 2022 अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुँच गया है और रविवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाने वाला है। इंग्लैंड जहां भारतीय टीम को पूरी तरह से मात देकर फाइनल में पहुंची है, वहीं पाकिस्तान न्यूजीलैंड को करारी हार देकर खिताबी मुकाबले तक पहुंची है। गुरुवार को सेमीफाइनल में हार के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ट्रोल किया था और एक ट्वीट किया था जिस पर आज पाक कप्तान बाबर आजम ने जवाब दिया है। वो ट्वीट ये है कि भारत को T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। भारतीय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 168 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड के ओपनर एलेक्स हेल्स और कप्तान जोस बटलर ने तूफान मचाते हुए 16 ओवर में ही 10 विकेट से जीत दिला दी। वहीं इसी तरह 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 152 रन पर 0 विकेट पर भारत को हराया था, जिस पर पीएम शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था और लिखा था कि तो इस रविवार को 152 पर 0 वर्सेस 170 पर 0 T20 वर्ल्ड कप। यही था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ट्वीट।